Everyone, welcome to Biophilia. We are pleased to present you with the part 2 of chapter Biological Classification. So before making the concepts very clear, do like, share and subscribe to our channel Biophilia to get more study videos like these. So let's start this video with the kingdom Monera. Kingdom Monera mein kya involve hota hai? These Monera kingdom involves the smallest, the simplest and the most abundant microorganisms. So to micro world hai, all that we cannot see by naked eyes, all that micro world is under kingdom Monera. Aur aise mana jata hai ki all the primitive organisms are under the Monera and these are the members of the Monera kingdom. Now ye jo members hai, these are going to be considered to be the first inhabitants on the earth. Yahan pe first life jo milti hai on earth, that was to be under kingdom Monera. Or you might be surprised to know that even the first inhabitants, unki generation is still continuing to flourish on this planet earth. ऐसे नहीं है कि जो पहले फ्लरिश हो रहे थे नाउ आर दे आर यू नो एक्सटिंक्ट, ऐसे नहीं है. बट स्टिल यू कैन सी दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोज हु आर फ्लरिशिंग एंड हैविंग द एग्जिस्टेंस ऑन दिस अर्थ. अब मोनेरा किंगडम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम आर गोइंग टू बी बैक्टेरियाज. अब मेंबर्स तो हमें पता है कि बैक्टेरियाज दीज आर द सोल मेंबर्स एंड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट in this kingdom, but where these members are actually found. So location of the bacteria that are the sole members of this kingdom, they can be found in places where are extremities found. जैसे बहुत गर्म जगहों पे मिलते हैं, like hot springs जहाँ पे पानी उबलता है. On those places also you can find these bacteria. In deserts, scorching hot, dry deserts में भी मिलते हैं. And such bacteria who live in these hot extreme conditions, they are called as thermophilic bacteria, because thermo means heat and philic means love. So those organisms who love heat are called as thermophilic. So here they are found in hot springs and deserts. जैसे अगर कोल्ड एक्सट्रीम कंडीशंस देखे जाए, सो अगेन कोल्ड डेजर्ट्स और कोल्ड प्लेसेस वेयर इन स्नो कैन बी फाउंड. सो स्नो मे बी यू कैन फाइंड सच बैक्टीरियाज हु आर कॉल्ड एज साइकोफिलिक बैक्टीरियाज. फिर डीप ओशन जहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है पानी का, बट स्टिल दे कैन सर्वाइव. एंड डीप ओशंस में यू नो दैट द सॉल्ट लेवल ऑल्सो इंक्रीजेस, सो इन दैट प्लेसेस ऑल्सो द सॉल्ट लविंग बैक्टीरियाज दैट इज हैलोफाइल्स आर ऑल्सो फाउंड. सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन वेयर ऑल दीज मोनेरा मेंबर्स आर गोइंग टू बी प्रेजेंट. अब मोनेरा मेंबर्स कैसे होते हैं एंड लेट्स गेट अ बिट नॉलेज अबाउट देम. सो यहाँ पे है सम बैक्टेरिया एंड देयर डिसीजेस, बिकॉज यू माइट बी वेरी इंटरेस्टेड अबाउट हाउ दीज बैक्टेरिया आर गोइंग टू बी यू नो डेली इन्वॉल्व इन टू योर लाइफ. सो निमोनिया, नाउ डेज यू माइट बी यू नो वेरी फेमिलियर विद द डिसीज निमोनिया. सो निमोनिया इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाई अ बैक्टेरिया विच कम्स अंडर किंगडम मोनेरा, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए. So Streptococcus pneumoniae is going to be the causative agent for pneumonia. फिर Clostridium tetani जो है, it is going to be the causing organism for tetanus disease. जैसे कोई rusted iron nail अगर आपको you know get a scratch or you get hurt with it. So जो tetanus का injection होता है, that is to provide protection from the disease that is tetanus. फिर थर्ड यहाँ पे है दैट इज ट्रेपोनिमा पैलिडम. दिस बैक्टीरिया इज गोइंग टू कॉज द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज दैट इज सिफिलिस. सो सिफिलिस कॉज होता है बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम. वैसे ही देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया लाइक विबीरो कॉलेरे कॉजिंग कॉलेरा, देन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कॉजिंग गैस्ट्राइटिस, देन स्किन इन्फेक्शन कॉजिंग बैक्टीरिया, बोलिटिज्म कॉजिंग बैक्टीरिया दैट इज क्लॉस्ट्रेडियम ब्यूटेनम. दिस इज नथिंग बट कॉजिंग फूड इन्फेक्शंस. जो फूड इन्फेक्शन या फूड पॉइजनिंग होंगे दैट इज बिकॉज ऑफ अगेन अ बैक्टेरिया. फिर यहाँ पे है लेजोनेला न्यूमोनियम, अगेन इट इज गोइंग टू कॉज अ डिसीज विच इज अ सिमिलर टाइप ऑफ निमोनिया.
फिर रैट बाइट फीवर कॉज होता है बिकॉज ऑफ अ बैक्टीरिया एंड अगेन टाइफॉइड कॉज बाय सैल्मोनेला टाइफी. सो दिस वॉज अ लिटिल इंट्रोडक्शन टू बैक्टेरिया एंड फॉर योर एज अ बायो स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो रिलेट देम फॉर देयर डिसीजेस दैट दे कॉज. Now let's see some common characteristics in the members of Monera. So characteristics is nothing but some major points jahan pe they are going to be common in the members of the entire kingdom. To be kingdom Monera ke baat ho rahi hai, so the characters of Monera is going to include that is listed down here. So first yahan pe aayega the cell type. So cell type is going to be prokaryotic. यानी न्यूक्लियस नहीं होगा, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी एब्सेंट. अगर सेल वॉल की बात हो तो सेल वॉल इज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, और पेप्टिडोग्लाइकन होता है अमीनो एसिड्स एंड शुगर कॉम्बिनेशन. बट अगेन हियर द एक्सेप्शन दैट पेप्टिडोग्लाइकन इज गोइंग टू बी एब्सेंट इन आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मास. Now, if there is absence of peptidoglycan, then what is the change? We will see in the future slides. Third characteristic aati hai, other presence of other substances in the cell, jaise nucleus hoga, chromatins honge, and histone proteins would be present in the cell. Ab jaise prokaryotic cell hai, that means the nucleus would not be present. But still the genetic material has to be present. So in that case it would be called as nucleoid. Nucleoid jo hota hai, it is a combination of naked DNA, RNA and non-histone proteins. Ab naked DNA hai, what do you mean by it? That there is no membrane surrounding the DNA. That is the reason it is called as naked DNA. Ab DNA ki baat ho rahi hai, so how is the DNA going to be? DNA is going to be circular and double stranded in nature. Now agar DNA hai, so it is going to act on some organelles, but actually the kingdom Monera the members do not have membrane bound organelles. Jaise ye primitive organisms the, because of that they do not have any cell organelles, but only one organelle is present, that is 70S ribosomes. Only these 70S ribosomes are going to be present in the cell. Rest all membrane bound organelles are going to be absent. Ab ye jo kingdom Monera ke jo members hai, these members are, you can say they can be found as a unicellular member, ya fir ye sare group bana ke as a colony they can live, or again they can have a filamentous form of their body. Ab nutrition of the members is going to be autotrophic, yani they are going to make their own food in the case of photosynthetic or chemosynthetic way. Depends, light use ho rahi hai ya they are using chemical energy, but they are going to make their own food in some members of Monera, but majority of the Monera members is going to be heterotrophic, that is they are going to depend on food for someone else. This is saprotropic nutrition ho gaya, that is dead and decaying matter ke upar they are going to survive, or they are going to be in symbiosis with someone, or they can live in or on some other organism, that is parasitic form. Agar reproduction hai, that means they have to increase and survive their existence. So reproduction is going to be asexual type. Again, it is a primitive life form. Sexual reproduction was not developed during those times. So asexual reproduction was a simpler form. So kingdom Monera has asexual type of reproduction. Then finally, for locomotion, the members can have flagella. Flagella will be the locomotory organ from the sole members, that is bacteria. Ab kitne flagella hai and what is the position? Depending on, there are different types of categorization. Jaise first categorization mein aata hai atrichus. Atrichus means there is no flagella. Flagella nahi hone pe atrichus bolenge. Mono means one. So if there is one flagella on the top of the surface, then it is monotrichus. Amphi means dual nature, right? Amphibians jaise do jagah pe rehte hain, so amphi word means dual. So if there are two flagella on opposite sides, then it is amphitrichus. Fir lophotrichus aata hai. Lophotrichus, there are many flagella on a single side of the member. Or peritrichus, peri
पेरी इज गोइंग टू बी सराउंडेड एवरीवेयर. जैसे पेरीमीटर ढूंढते हैं, सिमिलरली पेरी मीन्स ऑल द साइड्स. सो द फ्लैजेला आर गोइंग टू बी सराउंडेड ऑल द साइड्स. फिर लास्ट आता है दैट इज सिफेलोट्राइकस. दैट मीन्स बोथ द साइड्स वुड हैव मिनी bacteria, the rest of the sites would not have flagellas. So this was the presence or the absence or the categorization based on flagella. Now there can be a different type of classification. जैसे shapes को अगर consider किया जाए, जैसे अगर spherical shaped अगर bacteria है, so you call it a coccus bacteria. अगर rod shaped bacteria है, so you call it bacillus. अगर कॉमा शेप्ड है तो यू कॉल इट विबीरम, और इफ इट इज अ स्पाइरल शेप्ड देन यू विल कॉल इट अ स्पाइरलम. वैसे ही इन दिस आल्सो यू कैन फर्दर क्लासिफाई इन द केस ऑफ लाइक फॉर एग्जांपल स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज कोकाई को अगर यू नो यू डिटेल स्टडी इट सो यू कैन सी अगर दो कोकाई साथ में है then it would be called as diplococci. So diplococci type का एक example है that is streptococcus pneumoniae. So streptococcus pneumoniae is going to be the causative agent for pneumonia. As you have heard about pneumonia, so pneumonia is going to be caused by a diplococci form of bacteria that is streptococcus pneumoniae. फिर अगर सारे कोकाई साथ में बहुत सारे साथ में आ जाते हैं देन दैट वुड बी कॉल्ड एज द स्टेफाइलोकोकाई. स्टेफाइलोकोकाई का एग्जांपल होता है स्टेफाइलोकोकस ओरियस. अब स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो होता है दैट इज गोइंग टू कॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इन्फेक्शंस. सो स्किन इन्फेक्शंस का पॉजिटिव एजेंट इज गोइंग टू बी अ स्टेफाइलोकोकाई टाइप ऑफ बैक्टीरिया. नाउ लुकिंग आफ्टर रॉड शेप्ड बैक्टीरियाज जिनको हम बैसिलाई भी बोलते हैं इन दैट ऑल्सो देर कैन बी वेरियस वेरियंट्स. जैसे अगर चेन फॉर्म में प्रेजेंट है तो देन दैट वुड बी example for bacillus anthracis. A bacillus anthracis is a noun so you can identify it is going to cause anthrax. So anthrax is because of a chain of bacilli that is bacillus anthracis. अब अगर bacillus shaped bacteria को अगर flagella भी हो like in the case of salmonella typhi causing typhoid. So typhoid causing organism is going to be a salmonella typhi which has flagella on the bacillus shaped bacteria. फिर spore former type of bacteria भी होता है. Example is going to be Clostridium butonium. So Clostridium butonium is going to cause food poisoning. So food poisoning अगर ज़्यादा गोलगप्पे वगैरह खाने पे if there is food poisoning then that is because of a bacteria Clostridium butonium. फिर स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज में यू कैन ऑल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरियाज. सो इन दैट वन एग्जाम्पल यू कैन सी दैट इज विबीरो कॉलेरे दैट इज कॉजिंग कॉलेरा. फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है दिस इज गोइंग टू बी कॉजिंग गैस्ट्राइटिस. सो एज यू कैन रिमेंबर फ्रॉम द वर्ड पाइलोरी. So pylori word pylorus part of your stomach ke related hai. So it is going to cause gastritis. And finally Treponema pallidum. Again it is going to cause syphilis. As you know syphilis is going to be a sexually transmitted disease that is caused by Treponema pallidum. So this was the different types of bacteria on the basis of shape. Now, Monera kingdom को अगर एक view में देखा जाए तो how is the classification for Monera going to occur? तो Monera का classification में first you see about archaebacterias. So archaebacterias is nothing but as the word archaea that relates to archaeology, that is study of fossils or old findings. So word archaebacteria is going to be the primitive organisms. The primitive bacteria who were considered to be the first inhabitants on earth. So, unme involve hote hain the methanogens, halophiles and the thermoacidophiles. So, these archaebacteria are generally to be found in extreme conditions.
जो एक्सट्रीम कंडीशंस में होते हैं दे आर जनरली आर्की बैक्टीरियाज। देन यू बैक्टीरियाज जो होते हैं द यू बैक्टीरियाज इन्वॉल्व साइनो बैक्टीरिया। देन द कीमोसिंथेटिक दैट इज दे आर गोइंग टू यूज केमिकल एनर्जी फॉर देयर सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ फूड। द हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया हु डिपेंड ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म और another thing for the nutrition and finally the mycoplasma. So these all come under eubacteria or extreme conditions mein jo bacteria milte hain they come under the group of archaebacteria. So we will see all these type of subdivisions in the further slides. So now let's first understand about archaebacteria. So archaebacteria as you know that they are going to live in harsh environments. Now harsh environments yani kaun se jagah aisi hoti hai that they are harsh, that means they are extremely salty areas. Now salty areas mein the bacteria can survive, that means they love to be in that area. That means they love salt, that is halophiles. Halo means salt and phile means liking. So again hot springs mein jahan pe you know there is high temperatures and acidic environment, so that type of bacteria are called as thermoacidophiles. And the bacteria can also live in extreme conditions like marshy areas jahan pe bahut sara methane produce hota hai, and that organisms are called as methanogens. Now you must be thinking कि ये archaebacteria से harsh environments में they survive, but what is the difference between those archaebacteria and the other bacteria or other organisms? कि archaebacteria harsh environment में survive कर जाते हैं but other organisms cannot. So the difference between them is going to be in their cell membrane. Now cell membrane में there is going to be presence of branched chain lipids. Branched chain lipids होने की वजह से the fluidity is going to decrease and that makes it possible to live in extreme conditions. अब ये सिर्फ archaebacteria में present होने की वजह से only these type of bacteria can be surviving in these extreme conditions. अब एक्सट्रीम कंडीशंस में फर्स्ट लेट्स सी अबाउट द मीथेनोजेंस. सो मीथेनोजेंस आर गोइंग टू बी फाउंड इन द मार्शी एरियाज एंड इन दीज मार्शी एरियाज दे आर गोइंग टू गेट देयर न्यूट्रिशन और द एनर्जी सोर्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट एरिया. सो केमिकल्स से जब एनर्जी ऑब्टेन होती है दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. सो कीमो ऑटोट्रॉप्स वॉट सॉर्ट ऑफ प्रोसेस गोज ऑन. So these methanogens use carbon dioxide, methanol and formic acid to convert it into methane. Now unknowingly जब ये conversion होता है then that energy is released. और जो energy release होती है because of conversion that is going to be used by the bacteria for its survival and other necessary metabolic processes. और जो methane जो release होता है that methane nowadays humans have understood कि ये जो मीथेन रिलीज होता है that can be actually used to produce biogas. So biogas के अंदर का जो मीथेन है as a byproduct of these methanogens is used as a product useful for human beings that is biogas. तो ये जो मिथेनोजेंस होते हैं दीज मिथेनोजेंस कैन ऑल्सो बी नेचुरली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स. जैसे गट ऑफ रूमिनेंट्स में यू कैन हैव दिस मिथेनोजेंस नेचुरली प्रेजेंट एंड गट ऑफ रूमिनेंट्स से द डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट्स. और जैसे डाइजेशन होके द डंग इज प्रोड्यूस्ड सो इन दैट डंग that can be collected or gobar gas bana sakte hain. Again that gobar gas is nothing but because of it is produced from the dung of ruminants, but again it is going to be a form of biogas. So that can be used the natural presence of methanogens in the gut of ruminants. So methanogens ke kuch example hai that is methanococcus or methanobacterium. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी अबाउट हैलोफाइल्स. हैलोफाइल्स मतलब जिन्हें सॉल्ट एंड सॉल्टी एनवायरनमेंट पसंद है. सो दे आर गोइंग टू लिव इन एक्सट्रीम सलाइन एरिया. सलाइन मीन्स सॉल्टी एरियाज. नाउ सिंस दे आर लिविंग इन वेरी सॉल्टी एरियाज दे नीड सम एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल. सो स्ट्रॉन्ग लाइट
जो ट्रैप करनी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्पल मेम्ब्रेन। और ये पर्पल मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज बैक्टेरियो रोडॉक्सिन। सो दिस पर्पल मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी अ यू नो यूजफुल हेल्प फॉर द हार्डनेस ऑफ द सनलाइट। जो भी सनलाइट बैक्टीरिया पे गिरेगी दैट इज गोइंग टू हार्नेस द सनलाइट, यानी वो ट्रैप करेगी सनलाइट को, एंड दैट एनर्जी वुड बी कन्वर्टेड टू फॉर्म ATP। और ATP जो होता है दैट इज गोइंग टू बी द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जहाँ पे भी जब भी एनर्जी लगेगी इन दैट केस the ATP is going to be used. But a very important thing that you need to remember over here, that is जो भी energy harness होगी from the sunlight, it is not going to be used in food synthesis. Food नहीं बनाया जाएगा from that energy, and because of which they have to depend on some organism or some other source of food. So food के लिए other source होता है, that is they are not preparing their own food, that is the reason they are called as heterotrophs. जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर मेकिंग ATP। ATP बन रहा है, फूड इज नॉट प्रिपेयर्ड, सो दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रोप्स। सो हैलोफाइल्स जो है दे इन्वॉल्व अबाउट हैलो बैक्टेरियम एंड हैलो कोकस। नेक्स्ट इज अबाउट थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स जो है दे हैव अ टेंडेंसी और capability to tolerate high temperatures and a very highly acidic environment. अब ये ऐसी condition में रह रहे, so there is going to be some mechanism to get energy out of it. So they are going to use the sulfur. Sulfur को वो oxidize करेंगे, that would be making sulfuric acid. एंड ये जो प्रोसेस होती है दैट इज अंडर एरोबिक कंडीशन। अब एरोबिक कंडीशन में जब भी ऑक्सीडेशन होगा देर इज गोइंग टू बी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। अब जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी दैट एनर्जी वुड बी यूज फॉर सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक फूड। अब नाउ डिफरेंस पता करो, हियर द एनर्जी ऑब्टेनिंग फ्रॉम द केमिकल सोर्स इज यूज इन मेकिंग फूड। अब जैसे ही फूड बनाने में एनर्जी यूज होगी दैट इज द रीजन दे वुड बी कॉल्ड एज कीमोसिंथेटिक बैक्टेरिया। अब अगर एनोरोबिक कंडीशन है वेर इन देर इज एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कैन नॉट टेक प्लेस। सो ऑक्सीजन नहीं है, इन दैट केस देर वुड बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन में क्या होगा, देर इज गोइंग टू बी रिडक्शन ऑफ सल्फर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। सो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, और अगर ऑक्सीजन एबसेंट है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। एंड दैट प्रोसेस दैट इज फॉलोड इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मो एसिडोफाइल्स। अब ये तीन टाइप थे, दैट इज मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मो एसिडोफाइल्स अंडर आर्किबैक्टीरिया। Now let's understand about eubacteria. Again that is called as true bacteria. So under eubacteria पहला आता है that is cyanobacteria, और cyano word जो होता है that refers to blue green color. So it can also be called as blue green algae, or in short you can say BGA. So cyanobacteria जो होते हैं they are going to be photosynthetic in nature, और मोनेरा के अंदर क्लब होने की वजह से they have prokaryotic cells. And very important point to remember about cyanobacteria, that is most primitive organisms to have oxygenic photosynthesis. अब यहाँ पे word याद रखना है that is oxygenic photosynthesis. अभी important क्यों है, because till now that you have seen about archaebacterias. So archaebacterias में what did you see? There were thermoacidophiles who were releasing sulfuric acid, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज हो रहा था, या फिर देर वॉज मिथेन दैट वॉज रिलीज,
So all these gases, there was nowhere oxygen present. So first time जब atmosphere में oxygen आया था, that you can see nowadays. So that was first being prepared with the help of cyanobacterias. So cyanobacterias were the first organisms who undergo photosynthesis to release oxygen. So oxygen जैसे ही release होने लगा, that gave or added oxygen into the atmosphere. So before these cyanobacterias onto the earth, the atmosphere was reducing. So because of these gases that was released. अब जैसे ही ये gases release होना कम हो गए, and there was oxygen that was released because of cyanobacteria, the atmosphere started to turn into oxidizing nature. So the current environment or the current atmosphere that you have that has oxygen, you call it oxygenic atmosphere. So ये cyanobacterias जो होते हैं, they are going to be either unicellular organisms or they can be in filamentous or in colonial state. Now again, these cyanobacteria, since they have to have photosynthesis, तो जैसे green plants में, the higher green plants that you see around you, जैसे ही उनमें chlorophyll होता है, similarly there is going to be chlorophyll A present in these bacteria as well, and this chlorophyll A makes them capable for photosynthetic autotrophic mode of nutrition. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है रिगार्डिंग यू बैक्टीरिया, जैसे अगर ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्नियम की बात हो रही है, सो दिस इज द यू बैक्टीरिया और द साइनोबैक्टीरिया विच इज गोइंग टू इम्पार्ट द रेड कलर टू द सी. अब रेड कलर टू द सी जब आता है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, यू कॉल इट अ रेड सी. So red sea is because of not the color of the water, but actually the presence of the red color giving bacteria. फिर यहाँ पे और एक example है regarding Anabina azoli. Anabina azoli is again a cyanobacteria, a protein bacteria who is going to be associated with azolla, और azolla एक aquatic fern है. So you can see down here, the relation is going to be symbiotic. Jaise Anabina is going to provide nitrogen to the azolla, that is the aquatic fern, or the aquatic fern hai, that is going to provide the environment or the suitable conditions for survival, yani habitat dega. Then Anabina cycadae is again another species of blue green algae who is associated with colloid roots of cycas. Cycas एक gymnosperm है. So this gymnosperm or the tree is going to have this Anabina cycadae in its roots. और जैसे ही roots में ये पहुंचता है, there is going to be formation of choroid roots, and in the choroid roots, that is again going to help in the fixation of nitrogen. अभी ये जो cyanobacterias है, they can also be present or they can live inside another protozoans. अगर अलग protozoans में अगर they can live inside them, then they are called as cynalil. Otherwise, they can also live in paddy fields, यानी rice fields में भी grow हो सकते हैं. In the association with the rice plant, then they would be called as exosymbionts because they are living outside, but they are in symbiosis with the paddy fields. So those blue green algae would be called as exosymbionts. So cyanobacteria ke baad eubacteria mein the next subtopic that comes, that is chemosynthetic autotrophic bacteria. So chemosynthetic autotrophic bacteria is going to use chemical sources for the in the requirement of its food or the nutrition. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर गोइंग टू ऑक्सीडाइज वेरियस सॉर्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में देर कैन बी आइदर नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, अमोनिया, ये सब को जब ऑक्सीडाइज करेंगे, दैट इज गोइंग टू रिलीज एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रैप्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी. और ये एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी is going to be stored in the cell, and whenever the cell needs energy, the ATP would be consumed.
अब ये जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं दे आर गोइंग टू प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। सो रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स में जनरली द रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयन और सल्फर। सो दैट कैन बी वन बेनिफिशियल यूज दैट फॉर एनवायरमेंट दे आर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड ग्रुप आता है अंडर यू बैक्टीरिया, दैट इज हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो इनका हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया को जो एग्जिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर, एंड अबंडेंट नेचर के साथ साथ दे आर गोइंग टू हैव द सोर्स दैट इज बाय डीकम्पोजिंग, एंड सिंस दे आर यूजिंग द मोड ऑफ एनर्जी एज डीकम्पोजिंग सो दे आर कॉल्ड एज डीकम्पोजर्स। रिप्रोडक्शन की अगर बात हो तो हेटरोट्रोफिक बैक्टीरियाज डिपेंड ऑन द फिजन फॉर रिप्रोडक्शन, और इन समटाइम्स व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशंस तो दे कैन आल्सो प्रोड्यूस स्पोर्स, बिकॉज स्पोर्स ऐसी क्रिएटिविटी है ऑफ नेचर दैट स्पोर्स कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम। और जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशंस टर्न इन देयर फेवरेबल सॉर्ट देन दे कैन बी अगेन जर्मिनेटेड टू हैव न्यू बैक्टीरियाज। सो अगेन बैक्टीरियाज हैव यू नो डेवलप्ड इन एजेस टू हैव सेक्सुअल मेथड्स, क्योंकि सेक्सुअल मेथड में देर इज गोइंग टू बी एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल। तो जो एक्सचेंज होगा बिटवीन वन बैक्टीरिया एंड द अदर कैन हैव डिफरेंट टाइप्स। जैसे अगर फर्स्ट टाइप देखा जाए सो ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज। सो ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड ओवर हियर। So here comes the transformation that can be used for the DNA exchange, या फिर bacterial transduction use हो सकता है, या फिर bacterial conjugation use हो सकता है for the exchange of DNA. And because of this exchange of DNA, there was variations, और ये variations की वजह से the bacteria have evolved in different types, जिसकी वजह से हेटरोट्रोपिक बैक्टीरियाज आर गोइंग टू बी द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। द लास्ट टॉपिक अबाउट किंगडम मोनेरा दैट इज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म है इट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स एंड आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन टू दिस प्लैनेट। दिस माइक्रोप्लाज्मा इज गोइंग टू बी हैविंग ऑर्गेनिजम्स हु लैक सेल वॉल। तो हमने इन द स्टार्टिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा वी डिस्कस्ड कि पेप्टिडोग्लाइकन होता है इन द सेल वॉल, एंड देयर वी सॉ वन एक्सेप्शन दैट वाज माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा में एक्सेप्शन है कि सेल वॉल नहीं होगा, एंड सिंस दे डू नॉट हैव सेल वॉल दीज माइकोप्लाज्मा आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, क्योंकि ये सेल वॉल जो है दैट एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन एज देयर कोट्स इन विंटर्स। So these bacteria without cell wall are called as bacteria with their coats off. Now ye coats of bacteria jo hote hain that is mycoplasma, because they do not have the cell wall, unka jo thickness or the size of the cell hai that reduces, and wo itna reduce ho jata hai that it can pass through the bacterial filter. Bacterial filter jo normal bacterias hai like the eubacterias, they can actually be stopped through the bacterial filter, wo pass nahi honge, but because of cell wall nahi hai in mycoplasma, these mycoplasma can move out of the bacterial filter, and as they can multiply in steroid medium as well, wo virus nahi hai, because people used to think ki since these can pass through bacterial filter ki wo bacteria nahi honge, but agar wo bacteria nahi hai so people thought possibly it could be virus, but virus kyun nahi hai, virus nahi hai because virus cannot multiply in steroid mediums, but mycoplasma could multiply in steroid mediums, jiski wajah se jo doubt tha ki agar bacterial filter se wo pass ho raha hai that is it is smaller than bacteria but still it can survive in steroid medium, so that was nothing but mycoplasma. माइकोप्लाज्मा की और एक मेन इंपॉर्टेंट बात है दैट इज इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो इट डजंट मैटर फॉर माइकोप्लाज्मा, इट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट
oxygen. Many of the mycoplasma are going to be pathogenic. Pathogenic hai yani they are going to cause some or the other type of diseases. Generally they can be parasitic in some or the other type of organism, or parasitic nature they adopt because they cannot produce growth factors, and once there are no growth factors they cannot reproduce and maintain their generations. Iski wajah se they opt for parasitic mode, yahan se they take out the growth factors from the host for their survival. Another name for mycoplasma ho sakta hai, that is jokers of plant kingdom. Ab jokers of plant kingdom kyun bolte hain, because since there is no cell wall, sirf cell membrane hai, that makes the mycoplasma to change its shapes constantly. कोई भी एक फिक्स शेप माइकोप्लाज्मा को हो इट इज नॉट नेसेसरी, इट कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स शेप, एंड सिंस इट लुक्स वेरी फनी अंडर द माइक्रोस्कोप दैट द ऑर्गेनिज्म इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग डिफरेंट शेप्स, सो यू कॉल इट द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. सो यहाँ पे दो नाम आते हैं अबाउट माइकोप्लाज्मा, दैन यू हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट नेम दैट इज बैक्टीरिया विद द कोट्स ऑफ, और सेकेंड नेम कैन बी जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम. सो दिस कैन बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट्स फॉर माइकोप्लाज्मा. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द किंगडम मोनेरा. सो ये यहाँ पे हमने वी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिगार्डिंग किंगडम मोनेरा. द नेक्स्ट किंगडम विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन यू हैव टू स्टे कनेक्टेड टू बायोफिलिया एंड द ड्रिल एज यूजुअल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज नोटिफिकेशन. टिल देन कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी. Thank you.